नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। अगर अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल जरूर विजिट कीजिए। यहाँ आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसको देख करके आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 PSU शेयर के बारे में, जिसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगा और ये कंपनी रेगुलर इंटरवल पे बोनस देती है और डिविडेंड के मामले में तो 10% 15% तक का डिविडेंड यील्ड है। 5% तो इजीली आपको डिविडेंड मिल जाएंगे इस स्टॉक में, मतलब 5% का डिविडेंड भी मिलेगा, मतलब हर साल आपको एफडी के इतना रिटर्न भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो इसमें ग्रोथ भी मिलेगा, बोनस शेयर भी मिलेगा। बोनस शेयर क्या करता है, कंपाउंडिंग में बेनिफिट करता है। एक मैजिकल कंपाउंडिंग होता है बोनस शेयर वाले में। जितना ग्रोथ इस कंपनी में दिख रहा है इतना ही ग्रोथ इन्फोसिस और विप्रो में भी आपको दिखेगा, लेकिन इन्फोसिस और विप्रो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। क्यों? बोनस शेयर के कारण, क्योंकि बोनस शेयर जो है नंबर ऑफ शेयर्स को कंपाउंड कर देता है। नंबर ऑफ शेयर्स कंपाउंड होने के कारण जो कि ग्रोथ जो है काफी ज्यादा दिखता है। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे हमारा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक गजब का स्टॉक है, 152 रुपीज का देखिए करेंट प्राइस है और यह स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं 5000% का रिटर्न दिया है, तो काफी बेहतरीन रिटर्न है। जो कि 5000% का रिटर्न बहुत ही गिने चुने स्टॉक में मिलता है और ये इसमें जो सिक्योरिटी मिलता है, क्योंकि ये हमारे पीएसयू सेक्टर के स्टॉक है और पीएसयू सेक्टर के स्टॉक जब इतने अच्छे रिटर्न देते हैं तो हम जो है इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्ट आप तभी करेंगे देखिए जब गिरावट हो। देखिए ये स्टॉक जो है एक साइकिल में चलता है, देखिए एक अप साइकिल हुआ, एक यहाँ पर फिर डाउन साइकिल, फिर देखिए 2008 के बाद एक अप साइकिल आया, 2010 के बाद एक डाउन साइकिल आया, तो 4 साल तक ये डाउन साइकिल रहा। 4 साल के बाद जितना लंबा ये साइकिल चलेगा डाउन साइकिल, उतनी ही तेजी होगी अब साइकिल में देखते हैं, तो उतना ही तेजी इस स्टॉक में देखने मिला ऊपर की ओर। फिर यहाँ पर देखते हैं एक डाउन साइकिल आया, फिर देखते हैं यहाँ पर एक अप साइकिल, तो इस तरह से ये स्टॉक चलता है अप साइकिल और एक डाउन साइकिल में। अभी तो स्टॉक जो है काफ़ी हाई पहुँच चुका है, तो अभी आप इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब प्राइस नीचे आता है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अपने ये हाइयर लेवल पर है तो थोड़ा वेट कीजिए फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर कंपनी के पी की बात करें, P20 है, जो प्राइस है वो बुक वैल्यू का 3.6 times है, जबकि इंडस्ट्री का P 31 का है, इसका पी मात्र 20 है। सेक्टर का जो PB है प्राइस टू बुक वैल्यू 8 का है, इसका मात्र 3 है, तो अभी भी देखते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस पे उपलब्ध है। इसका डिविडेंड यील्ड है 1.86% जबकि सेक्टर का 1.3%, तो सिर्फ इसी स्टॉक का थोड़ा डिविडेंड यील्ड आपको कम देखने मिल रहा है, क्योंकि ऐसे ही प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है तो डिविडेंड यील्ड कम हो गया, क्योंकि ये तो करेंट प्राइस के अनुसार डिविडेंड हमें मिलता है, तो जब प्राइस काफ़ी लो होता तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा होता। मार्केट कैप 36,000 करोड़ है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का जो डेट है बिल्कुल फ्री है, देखते हैं बिल्कुल डेट फ्री कंपनियाँ हैं और एक PSU सेक्टर का स्टॉक है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनियाँ हैं तो काफ़ी बेहतरीन है। रिजर्व कंपनी के पास 9,800 करोड़ का है, मतलब हर पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो शेयर होल्डर का इक्विटी है उस पे रिटर्न देख सकते हैं लगभग 19% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड जो कैपिटल यूज किया गया कंपनी के द्वारा उस पे रिटर्न 25% है। ये सारे पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरा स्टॉक है इस लिस्ट में ONGC। ONGC अभी देखते हैं डाउन साइकिल में है और ONGC यहाँ से ये इस ट्रेंड को ब्रेक करता है, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट पर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड को लगभग ब्रेक करने वाला है, ये जो डाउन ट्रेंड था उसको लगभग ब्रेक करने वाला है, तो डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक गजब तेजी देखने मिला, क्योंकि एक लंबे समय से ये डाउन ट्रेंड में है 2010 से ही। जब 10 साल के ट्रेंड को ब्रेक करता है तो एक गजब तेजी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ऐसे भी स्टॉक अभी भी देख ही सकते हैं जो यहाँ पर लोअर लेयर में 2000 ईस्वी में इन्वेस्ट किए होंगे, अभी भी वो अच्छे खासे मतलब उसको रिटर्न मिल रहे हैं। यहाँ पर जो गिरावट में इन्वेस्ट किए होंगे तो अभी भी देखिएगा तो ये 300% से अबव का रिटर्न है। साथ साथ कंपनी जो हाई बनाया था वो लगभग 500 का बनाया था, अगर वो 500 पर यहाँ प्रॉफिट बुक करते तो आप समझ सकते हैं लगभग उसको 20 times का रिटर्न प्राप्त होता, लगभग उसे 20 times से भी ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त होगा, क्योंकि 25 रुपीज़ का ये शेयर था, 20 रुपीज़ का ये शेयर था, वहाँ से 500 तक का हाई लगाया तो 20 times का रिटर्न, जो कि काफ़ी बेहतरीन है 10 ईयर्स में। जब ये अप साइकिल में होता है तो आपको यहीं लोअर प्राइस पे एंट्री करना है इस स्टॉक में। ऐसे 5 स्टॉक है, उसमें से एक ONGC ही अभी जो है आपको काफ़ी लंबे समय से डाउन साइकिल में दिखेगा और सारे के सारे स्टॉक पूरी तरह से ग्रोइंग मोड में है और इसका करेंट प्राइस है 123 रुपया मात्र, और इसका डिविडेंड यील्ड देखिएगा काफ़ी शानदार है, क्योंकि स्टॉक अभी लोअर प्राइस में मिल रहा है तो इसका डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 4% मिल रहा है
और ये स्टॉक काफी लो बनाया था, मतलब काफी नीचे मिल रहा था। अगर उस समय आप ले रहते तो और ज्यादा आपको यहाँ पर डिविडेंड देखने मिलता, मात्र 60 रुपीज 70 रुपीज पे स्टॉक मिल रहा था, वहां से अभी लगभग डबल हो चुका है ये स्टॉक। तो ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन है। और कंपनी की मार्केट कैप की बात करें, 1,56,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 7% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 10% का है, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल इंप्लाइड थोड़ा सा कम है। वहीं इसमें प्रमोटर स्टेक की बात ही नहीं करना, ये तो परसेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू स्टॉक है, तो जितना मतलब प्रमोटर का स्टेक है वो बहुत ही स्टेबल है। उसके बाद रिजर्व की बात करें, देखिए 2,00,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी है, लेकिन डेट टू इक्विटी मात्र 0.5 है। और ऐसे भी ये कंपनी एक मोनोपोली क्रिएट करता है अपने बिजनेस में। और ये इसका बिजनेस क्या है, यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कंपनी है और लगभग 71% का मार्केट शेयर है, डोमेस्टिक मार्केट शेयर ONGC का। उसके बाद कंपनी इतने सस्ते प्राइस पे मिल रहा है जो कि मोनोपोली के लिए 71% का मार्केट शेयर, मतलब इस कंपनी का मार्केट शेयर को घटाने के लिए बहुत ही हाई कंपटीशन देना पड़ेगा किसी भी कंपनी को। उसके बाद अगला जो तीसरा पीएसयू स्टॉक है वो है गेल, करेंट प्राइस है 163 रुपया। ये भी स्टॉक देखते हैं, लॉन्ग टर्म में 1300% का रिटर्न दिया है, मात्र ONGC का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड दिख रहा था, तो मतलब काफी सस्ते प्राइस पे वो उपलब्ध भी है। अब देखिए गेल काफी मतलब अप ट्रेंड में रहने वाला ये स्टॉक है, मतलब लेकिन एक साइकिल में चलता है, एक अप साइकिल एक डाउन साइकिल, मतलब ये बार बार हमें एंट्री का मौका देता है कि हम लोअर लेवल पे इसमें एंटर कर सकते हैं और अच्छा यहां से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड की बात करें, 1.56% का डिविडेंड यील्ड है। इसका डिविडेंड यील्ड हाई क्यों है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी मूव कर चुका है, ये देखिए लो बनाया था यहाँ पर गिरावट में, ये स्टॉक काफ़ी नीचे लगभग 70 रुपीज़ का, वहाँ से डबल हो चुका है, मतलब ये इसका भी डिविडेंड यील्ड वहाँ पर लेते तो 4% हमें मिलता, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये भी कंपनी एक मतलब ब्लू चिप कंपनी है, क्योंकि एक नवरत्ना कंपनी है, ऐसे भी सब अपने मतलब बिजनेस में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। मार्केट कैप 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 12% है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड लगभग 13.5% है, मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी भी काफी सॉलिड है। वही कंपनी के डेट टू इक्विटी की बात करें, मात्र 0.15 डेट टू इक्विटी रेशियो है, और कंपनी पास रिजर्व काफी अच्छा है 48,000 करोड़ का, और डेट मात्र 7,000 करोड़ का, तो काफी बेहतरीन कंपनी है और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का रखा है। वहीं दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, करेंट प्राइस है 483 रुपये, और यह स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, जैसा कि हमने एक पीछे पहले वीडियो में बताया भी था कि लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, जो कि इन्फोसिस और विप्रो के बाद सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में कई सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, लेकिन ये सारे स्टॉक बहुत ही धीरे धीरे आपको मूव करेगा, साथ ही साथ आपको पैसे भी इनकम भी जनरेट करके देता है। और यहाँ पर देख लीजिए ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा एंट्री का मौका देता था कि डाउन साइकिल में आया, फिर अप साइकिल गया, डाउन साइकिल गया, अप साइकिल, अभी ये लगभग अपने हाई के आसपास है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये स्टॉक ऊपर चलता रह जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये रेंज बाउंड है स्टॉक, इसको रेंज बाउंड कर रहे हैं, मतलब अपर रेंज ये इसका लगभग 500 है, लोअर रेंज जो है ये स्टॉक काफ़ी बार 70 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है कई बार, तो ये रेंज है 500 और 270, इसी के बीच अभी स्टॉक मूव कर रहा है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अगर ये लोअर लेवल पे आता है, मतलब अपने सपोर्ट 270 के पास उसके आसपास, तो एंट्री कर सकते हैं, या तो फिर ब्रेकआउट होने दीजिए। तो ब्रेकआउट को आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो ये इसका स्विंग होगा, मतलब जो एक साल दो साल का मूवमेंट होगा अप ट्रेंड का, उसी में आपको इसमें प्रॉफिट लेना है, मतलब रिटर्न लेना है और निकल जाना है, क्योंकि डाउन साइकिल में जब आएगा स्टॉक तो फिर वहां से करेक्ट होकर के ये 300 रुपीज तक भी आ सकता है। तो इस स्टॉक में यही है कि आपको लोअर प्राइस पे एंट्री किया तो फिर आप इसको लाइफ टाइम रख सकते हैं आसानी से। इस स्टॉक में दिक्कत ये है कि आपके धड़कन को बढ़ा देगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा काफी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, इन्वेस्टमेंट एक समय काफी आपका बढ़ जाएगा, एक समय काफी कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको लोअर लेवल पे बाय कीजिए और भूल जाइए, क्योंकि इस स्टॉक में तो वैसा कोई दिक्कत नहीं यस बैंक की तरह, DHFL की तरह कि ये स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा, हमारा सारा का सारा रुपया डूब जाएगा। तो जब हम लोअर लेवल पे इसको बाय करेंगे तो हमारा जो है रुपया डूबने का तो यहाँ कोई चांस है नहीं, वो साथ ही साथ हमको पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड मिलता रहेगा, जो कुछ सालों में ही हमारा जो अमाउंट है उसको रिटर्न भी कर देगा, क्योंकि देखते हैं 15% का डिविडेंड यील्ड है, इतना शानदार डिविडेंड यील्ड है, इसी कारण ये स्टॉक महंगा मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम लिए रहते लोअर प्राइस पर तो ये 30% 25% डिविडेंड यील्ड मिलता, तो इसी 25% के लिए तो हम इन्वेस्ट भी करते हैं,
अगर 20% डिविडेंड के रूप में मिल जा रहा है तो इसी रिटर्न के लिए तो हम इन्वेस्ट भी करते हैं। साथ साथ यहाँ पर देखते हैं 1500% का रिटर्न दिया है। साथ ही साथ इस शेयर में जो सारे शेयर बताने हैं काफी बोनस शेयर दिया है, ये सारे शेयर बोनस शेयर देने वाले हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी आपके मल्टीप्लाई होंगे, साथ साथ ग्रोथ भी मिल रहा है। तो इतना बेहतरीन शेयर जिसमें रेगुलर टाइम पे हमको बोनस मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है इतना शानदार, जितना कि एफडी पे ब्याज भी नहीं मिलता। एफडी पे ब्याज से हमें 2-3 गुना यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड के रूप में। अब देखिए इसके बारे में हम बात करें डिटेल में, मार्केट कैप है 1,05,000 करोड़। तो सारे कंपनियां लगभग लार्ज कैप ही है, ब्लू चिप कंपनियां ही है, और साथ साथ एक नवरत्ना कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर्स हैं। और रिजर्व देख लीजिए 51,000 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% देख सकते हैं, 27% जो कि काफ़ी शानदार है। कई सारे प्राइवेट कंपनियों के भी रिटर्न ऑन इक्विटी इतना देखने नहीं मिलता है, मतलब जो शेयर होल्डर का फंड है उस पर इतना परसेंट का रिटर्न क्रिएट करके दिया है। और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%, तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी 0.89% है, और टोटल जो डेट है कंपनी के ऊपर 47,000 करोड़ का है। उसके बाद जो लास्ट स्टॉक है हमारा इस वीडियो का, मतलब जो सबसे बेहतरीन कंपनियां है इस वीडियो का, वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और रिटर्न देख लीजिए लॉन्ग टर्म में 2400% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न है। और ये स्टॉक भी काफ़ी शानदार है, इसमें थोड़ा सा डिविडेंड आपको कम मिलेगा, क्योंकि जो ग्रोइंग कंपनियां जितना ज़्यादा होता है तो उसका डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी कम देखने मिलेगा। तो इसलिए 0.71% का डिविडेंड यील्ड है, तो थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड इसमें कम है, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे आपको बोनस शेयर मिलेंगे, इसमें ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा कंपनी देखते हैं ग्रोइंग मोड में, इसका चार्ट देखिए काफ़ी अपट्रेंड में है, और लगातार जो नीचे लो बनाता है वहाँ पर हमें ये एंट्री करने का मौका देता है कि हम वहाँ पर एंटर कर लें इस स्टॉक में। हमने ये मार्केट कैप की बात करें, 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये भी एक लार्ज कैप कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 4.99, मात्र 5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन चार्ट पर देख सकते हैं रिटर्न कितना सॉलिड है। यहाँ पर रिटर्न इक्विटी मात्र 5% दिखा रहा है, लेकिन चार्ट पे रिटर्न काफ़ी सॉलिड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.5% है, लेकिन वहाँ पर चार्ट पे तो हमें जो शेयर हमने बाय किया है, मतलब वो प्राइस है, प्राइस में रिटर्न तो काफ़ी दिख रहा है, मतलब भाव जो है भगवान है हमारे लिए। हमेशा कहावत आप सुने होंगे कि भाव भगवान है, तो जो हमारा प्राइस है उस पर रिटर्न तो हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो शेयर होल्डर फंड है मात्र 5% का रिटर्न बता रहा है। वहीं बात करें डेट का, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनियां है, 0.01 रेशियो है कंपनी का डेट टू इक्विटी का, जो कि लगभग नेग्लिजिबल है, क्योंकि मात्र 61 करोड़ का डेट है, जो कि कंपनी कभी भी पे कर सकती है, क्योंकि इसका नेट एनुअल प्रॉफिट ही 500 करोड़ है। और रिजर्व है कंपनी के पास 9,800 करोड़ का, तो कंपनियां कैश रिच भी है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी डेट फ्री भी है, तो और PSU सेक्टर का स्टॉक भी है, और उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है 54% है, 54.8 है, मतलब 54% से भी अधिक है। तो ऐसे बेहतरीन शेयर जो लगातार इंटरवल पर बोनस भी देता है, और PSU सेक्टर का स्टॉक भी है, मतलब इसमें हमें इतना उम्मीद है कि हमारा कभी भी रुपया जो है 100% डूब नहीं सकता है, मतलब हमें यहाँ हमेशा रिटर्न मिलेगा अगर हम लोअर लेवल पे एंट्री करते हैं। तो ये याद रखिए, लोअर लेवल पे एंट्री करना पड़ेगा, और तब करना है जब स्टॉक का ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में हो, क्योंकि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो ये सारे स्टॉक के साथ होता है। आप रिलायंस के साथ देखिएगा तो रिलायंस भी डाउन ट्रेंड में रहा है काफ़ी लंबे समय तक, जैसे ONGC है ये तो काफ़ी ज़्यादा तक लंबे समय तक डाउन ट्रेंड में रहा है, उस तरह रिलायंस देखिएगा तो रिलायंस भी आपको काफ़ी लंबे समय तक जियो आने से पहले डाउन ट्रेंड में आपको देखने मिलेगा। मतलब एक ही जगह रिलायंस जिस तरह से यहाँ देख लीजिए 2011 से ये कंसोलिडेट कर रहा था, 2011 से लगभग 2017 था, इसी तरह रिलायंस भी लगातार कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज के बीच। तो सिर्फ ये गवर्नमेंट PSU स्टॉक के साथ नहीं होता, प्राइवेट स्टॉक के साथ भी होता है, लंबे समय तक कंसोलिडेट होता है प्राइस वाइज या टाइम वाइज, तो इसलिए ये सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।